हाँ तो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल? जय श्री राम। और तो भाई कैसे हो आप लोग? और भाई कैसी चल रही है आपकी रैंक पुश? अरे वो भाई बढ़िया चल रही होगी। TPP वाले तो एकदम मज़े में यार। उनका तो मैचिंग ही नहीं, मतलब भाई मैचिंग मतलब बहुत सारे लगते हैं भाई। उतना तो कौन सा भी लॉबी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, लगती मतलब लगती है ठीक है। बट भाई जो भाई FFP के बंदे वो नहीं कर पाते भाई। चलो कोई बात नहीं भाई, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स TPP वालों के लिए, मतलब थोड़े दिन के लिए जब तक FFP स्टार्ट ना हो जाए तब तक ठीक है। पर चैनल को मैं नया हो ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मैं थोड़ा सा सपोर्ट कम मिल रहा है ठीक है। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, थोड़ा सा फेस्टिवल की वजह से मैं बिजी था। अभी वो खत्म हो गया महालक्ष्मी, मतलब वो खत्म हो गया वो वाला, तो फिर अभी अभी मैं फ्री हूँ, तो अभी फिर से वीडियो डेली आने स्टार्ट हो जाएगी। कल मैं मिस कर गया भाई वीडियो में बने, टाइम ही नहीं मिला यार, क्या ही करें भाई ठीक है। तो भाई देखो, इस वाले गेम प्ले में उतरता भाई इवेंट पे, और इवेंट का आपको पता है आपको भाई कितना बवाल मार देता है। एक बार इवेंट पे उतर जाओ तो भाई इवेंट क्लियर करके मानूंगा ठीक है। तो मैं उधर जाता हूँ भाई इवेंट पे, और यहाँ पे क्लियर करना स्टार्ट कर देता हूँ ठीक है। तो भाई देखो भाई, TPP वाले बंदे हैं ना भाई, उनको किस तरीके से रैंक पुश करानी, मतलब डेली किस तरीके से रैंक पुश करें, वो अभी वीडियो में बताना है ठीक है। तो देख लो भाई, देखो TPP वाले बंदे ना ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करने के भाई, ज़्यादा प्लस करने का और ज़्यादा किल्स निकालने का। बिकॉज भाई देखो TPP में भाई इजी प्लस हो, मेरे ख्याल से लगता है मेरे को, अगर लॉबी अगर एज के ऊपर हो तो भाई लॉबी आपकी अच्छी आएगी, बट भाई एज के नीचे वाले बंदे ना, उनकी लॉबी थोड़ी सी डल आती है ठीक है। तो उन्होंने कुछ भी करके यार एज लगा लो, इसके बाद में आपको भाई इजी बहुत ही खतरनाक, मतलब अच्छी खासी प्लस, जिसमें ज़्यादा प्लस मिले ऐसी लॉबी मिल जाएगी। और भाई ये ज़्यादा करके भाई क्रोम पे भी लग जाएगी अच्छी खासी लॉबी आपकी, मेरे को लगता है जिस ख्याल से ठीक है। तो भाई जो वाले जो बंदे एस वाले, उनको किस तरह से ज़्यादा प्लस निकालना है डेली। तो देखो डेली आपको 6 ओवर्स खेलते हो आप ठीक है, तो डेली ना भाई आपको कम से कम TPP में ना 300 से 400 प्लस डेली निकालना है। बिकॉज अगर 300-400 प्लस डेली आपको नहीं निकल पाएगा तो भाई कॉन्कर करना मुश्किल है। बिकॉज भाई रोज भाई कितने पॉइंट्स बढ़ते हैं आप ही खुद ही देख लो भाई, कितने स्टार्स में कॉन्कर आपको अभी दिखाता हूँ। अब देखो लीडर आपको बताता हूँ पॉइंट्स कैसे देखने ठीक है। आपको आपको अगर देखना हो, समझ लो कि आपको कॉन्कर कितने पे अभी फिलहाल के टाइम के, वो अगर आपको देखना हो ना तो आपको बस लीडर बोर्ड में जाना है ठीक है। टॉप 100 वाले बंदा है ना, उसका मतलब पॉइंट देखना है ठीक है, और उसके मतलब पॉइंट से 120 पॉइंट कम कर लो और उतने में आपका कॉन्कर हो जाएगा। मतलब समझ लो अभी 4000 या फिर 5000 पे कॉन्कर मिल रहा है ठीक है। तो भाई आपको है ना 4890 या फिर 880 के आसपास में कॉन्कर मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो 120 पॉइंट माइनस कर लेना टॉप 100 बंदे वाले बंदे के पॉइंट में से ठीक है, उतना इसमें आपको कॉन्कर हो जाएगा ठीक है। बट भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है आपकी रैंक भाई कम से कम ना, मतलब भाई बिकॉज रैंक बहुत ज़्यादा बंदे खेलते ना तो भाई आपको रैंक बढ़ती रहती है। तो भाई आपको रैंक के ऊपर ध्यान देना है ज़्यादा करके, रात के भाई कम से कम 3 बजे तक भाई थोड़ा सा वो एक होर तो कम से कम रहने दो ठीक है। 5 होर खेलो, छठवा होर में ना आप तो साइड में रख दो, बिकॉज भाई पता नहीं सकते कब रैंक आगे चले जाए ठीक है। 150 रैंक आपने डाल दी समझ लो, तो भाई आपका अगर रात तक आप सब में ख्याल से आराम से 500 के आगे निकल जाएगी भाई। बिकॉज बंदे इतना कॉम्पिटिशन है भाई TPP में। TPP सोलो ऐसी चीज़ भाई, यहाँ पर बंदा मतलब बच्चा बच्चा खेलता है भाई, जिस तरह से स्क्वाड्स खेलते हैं अपन उस तरह से सोलो TPP भी बहुत सारे बंदे खेलते हैं ठीक है। तो भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपको भाई थोड़ा सा हार्ड करना पड़ेगा। अगर भाई कुछ चाहिए तो भाई आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा ना, कॉन्कर चाहिए तो इतना स्ट्रगल तो मांगता है भाई आपको ठीक है। FFP करोगे तो भाई आपको टेंशन नहीं है, आप 150 रैंक दिन में जब सुबह भी छोड़ दोगे ना तो आपका कॉन्कर हो जाएगा। बट TPP पे ऐसा नहीं भाई, कॉम्पिटिशन बहुत हार्ड रहता है यहाँ पे, तो ऐसा सीन कुछ है ठीक है। तो भाई आपको रात को कुछ नहीं, अगर आपके 500 के सामने रैंक चली जाए 4 बजे तक भाई, जब तक रिफ्रेश नहीं होता ना सर्वर, देखो 5-5:30 बजे को सबके कॉन्कर लग जाते हैं रोज़ सुबह ठीक है, ये टाइमिंग है BGMI की। तो भाई आपको बस कुछ 5 के पहले तक आपको भाई रैंक 500 के अंदर फेंक देने हैं, तो आपको ईजी कॉन्कर लग जाएगा ठीक है। और बस माइनस लगे ना इसका मतलब ध्यान रखना ठीक है। TPP देखो भाई माइनस लगे ना एक चीज़ ही नहीं है भाई, ये फुल व्यू बैठता है भाई, मतलब मिलता है यहाँ पे फुल व्यू मिलता है, बहुत ईजी किल्स निकाल सकते हैं भाई, इतना सारा व्यू है आपके पास, इतना सारा एडवांटेज है। हम तो FFP खेलते थे, हमको FFP में कॉन्कर करते थे, हमको तो व्यू भी नहीं मिलता उतना जितना TPP में नहीं मिलता भाई। देखो फुल व्यू मिलता है बंदे भाई, स्पॉट करके मारना बहुत ईजी है ठीक है, बस आराम से मार के आओ। अगर मैं हूँ ना, मैं अगर TPP में सोलो खेलता ना सही, मैं आपको बताता हूँ हर एक मैच में 15-20 किल तो ईजी निकाल लेता, और मेरी KD कम से कम ना 10 की आगे रहती भाई इस सीज़न में ठीक है। सोलो TPP में इफ मैं कॉन्कर करता तो 10 की KD के साथ कॉन्कर करके दिखाता, 10 के आगे में निकल देता था। बिकॉज भाई TPP इतना ज़्यादा मेरे को, अभी मैं यहाँ पे 19-19 किल निकाल लेता भाई, 10 किल्स तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है ठीक है। भाई ए स्लो भी हो फिर भी चल जाएगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज अपने भाई मतलब उतना मतलब है मेरा, मेंटेन कर सकता हूँ मैं। बिकॉज इवेंट जो आया भाई, इवेंट के जो इस रिकॉल की वजह से बहुत ही मतलब ये काम हो गया, बहुत अच्छा काम हो गया, उसकी वजह से भाई जल्दी से प्लस भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है ठीक है। तो भाई मेरे को ऐसी नौबी मिल रही थी, जैसे भाई मतलब
मतलब झाड़ के बराबर ऐसे लो भी लग रही थी भाई मेरे भी फिलहाल के टाइम पे। देखो भाई क्या ही बताओ भाई, इतना मतलब गंदा वंदा आ रहा था भाई, क्या ही बताओ। ये देखो भाई इतना कैंपर है ना, सही में ये कैंपर दिखा आपको? मेरे को भी नहीं दिखा भाई, आपको भी नहीं दिखा होगा। कहाँ पे था ये, दिखा आपको कुछ? समझा भाई, टेबल के पीछे छुपा था, पर टेबल के पीछे भी नहीं था। आप एक बार पीछे 10 सेकंड पीछे लेके देखो, फिर भी आपको नहीं दिखेगा वो कहाँ से था पता नहीं। देखो भाई इस गंदे को बहुत ही गंदा उतार देता हूँ मैं बग्गी से, और ये बंदा भाई यहाँ से चलता बनता है, और ये मेरे को हैकर बोलेगा भी पक्का, बिकॉज उसको बहुत ही गंदा उतार है, और मेरी किल्स भी देख लेगा भाई। और भाई कीड़ी मेरी कम नहीं है, 10 की कीड़ी होंगी, 10-12 की कीड़ी है सोलो ट्रिपी में। तो ऑब्वियसली यार बंदे हैकर बोलेंगे, बट उनको तो वो नहीं दिखेगी ना, उन्हें कंकर की कीड़ी दिखेगी शायद, FAV की, जिसमें 4.72 की कीड़ी कुछ है, यहाँ तक कि देखूँ ऐसा ही कुछ है। तो भाई देखो इस तरीके से कुछ लॉबी खाली करता हूँ जल्दी से, और या फिर नो ब्लॉक लग रही, जब तक तो मेरा एज नहीं हो जाता मेरे को भाई, तब तक हार्ड लॉबी मिलेगी नहीं, और जब हार्ड लॉबी मिलेगी तो वही मज़ा आएगा, तो कॉन्कर पक्का करेंगे। ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है चीज़ें एंड होने में, बढ़ने दो पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, अपन कर लेंगे भाई जल्दी। अब फिर अभी आज से तो हम फ्री है, आज से हम स्टार्ट कर देंगे सोलो TPP खेलना एकदम ऑब्वियसली, मतलब पक्का खेलेंगे चलो। ठीक है, और कॉन्कर करेंगे, ट्राई करेंगे, मतलब भाई दो दो डबल कॉन्कर तो करना है, ट्रिपल कॉन्कर भी कर लेते, बट टाइम चाहिए भाई, उतना टाइम ना मिलने पाता हर एक बंदे को, नहीं मिलता। जो बंदा दिन भर फ्री रहता है ना, मतलब उन जिनको भाई बस गेम के अलावा और कुछ नहीं है, तो वो बंदे कर सकते भाई ट्रिपल कॉन्कर भाई। ठीक है ना, हमारे लिए नहीं भाई, हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमको टाइम नहीं है भाई। हमारे से हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हमसे होगा नहीं, होगा भाई, बट टाइम चाहिए भाई, टाइम नहीं मिलता यार। चलो भाई इसके साथ में मेरा चिकन भी हो जाता है, और भाई कैसे लगे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बोला भाई, उस तरीके से खेलो भाई, अच्छा खासा प्लस निकालो, किल्स ज़्यादा निकाल के। ठीक है, सोलो TPP वाले बंदा है, हो जाएगा भाई आपका। दिन में कितना प्लस निकाला ये भी मैंने बता दिया, 400 से ऊपर चाहिए प्लस दिन में। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो, तब पहले टाटा एंड बाय बाय, सी यू गाइस, सपोर्ट करते रहो। ठीक है, और भाई एक बड़ी चीज़ यार, पॉपुलैरिटी भी मार दो यार मुझे। ठीक है, पॉपुलैरिटी नहीं है भाई, क्या करें। तो मिलता भाई नेक्स्ट वीडियो में, टाटा में भाई, सी यू गाइस।